हाँ जी बिल्कुल सोत, हम खड़े हैं मौलाना अब्दुल अकबर चौटाली के साथ जो चतराल से रुकन उमई असम्बली है मुंतहब, उनसे पूछते हैं कि चतराल की इनका विजन क्या है, ख़ासकर इस सर्दी के मौसम में जहाँ पे लोग ख़ुद को सर्दी से बचाने के लिए खाना पकाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल करते हैं जिससे जंगलात तबाह हो रहे हैं, और दीगर इलाकों में ऐसे कई है पाकिस्तान के ऐसे जहाँ पे सस्ती इलेक्ट्रिक बिजली मिलती है और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होते हैं। गर्मियों में वो एसी इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में हीटर इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह जंगलात को भी बचाएंगे और लोगों को भी रिलीफ पहुंचाने के लिए मैं अपनी जद्दोजहद जारी रखूंगा। मेरा एक विज़न है इससे, वो विज़न ये है कि सबसे पहले जो 7-8 इलाके हैं हमारे यूसीस हैं उनमें अरंदू, दमेल, अशरेत और अरसून और इस तरह जंजीरतकू, शिशकू और ओयोन, ब्रोस और कैलाश वैली, तीनों वैलियाँ और इस तरह गर्म चश्मा तहसील लुटकू, इनमें ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। सबसे पहले मेरा विज़न यह है कि इन इलाकों को मैं इंशाल्लाह वाकई हुकूमत के ज़रिए से यह ट्रांसमिशन लाइन बिछा के इनको बिजली दे दूँगा। जब बिजली इनको पहुँच जाएगी तो ये जंगलात की कटाई जो है ख़ुद ब खुद कम हो जाएगी, क्योंकि ये लोग हीटिंग के लिए भी और दीगर ज़रूरियात के लिए भी बिजली को इस्तेमाल कर सकेंगे इंशाल्लाह। असल में यह है कि अभी तक मरकज की तरफ से आप देख रहे हैं कि कौमी असम्बली भी सही तरीके से नहीं चलती, और इसी तरह हुकूमत भी बीच चौराहे जो है खड़ी है और उनको ये पता नहीं है कि आगे जाना है, पीछे मोड़ना है, या दाएं जाना है या बाएं जाना है। तो इस वक्त तक सूरत हाल यकीनन गंभीर है, लेकिन मुस्तकबिल में हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला चित्राल के हवाले से जो मसाइल हैं उनको हल करने में इंशाअल्लाह मैं पेशकदमी करूँगा हुकूमत के ज़रिए। सीपेक में चित्राल को इन्होंने शामिल किया है, लेकिन ये सीपेक का जो रोड इन्होंने रोड मुंतखब किया है चित्राल, ये इंतहाई महफूज भी है और यहाँ अमन अमान भी है। फिर ये है कि ये हमारे मुखालिफ और दुश्मन मुल्क के रेडार से महफूज भी है, और इसी हैसियत से सीपेक के लिए बेहतरीन रास्ता तो चित्राल ही है, चित्राल का रास्ता। तो मैंने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह सीपेक का जो रूट उन्होंने मुकर्रर किया था चित्राल शंदूर गिलगित तक, ये रूट उन्होंने बरकरार रखा है इंशाअल्लाह अज़ीज़, और ये रूट जो है ये बन जाएगा और इंशाअल्लाह इस पर हम सफ़र भी करेंगे। जिस तरह लवारे टनल पर हम सफ़र कर रहे हैं जो पहले नामुमकिन था, इसी तरह सीपेक के सिलसिले में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कामयाब होंगे। अगर चित्राल के लोगों को दीगर इलाकों की तरह मुफ्त बिजली मिले या कम अज़ कम सब्सिडाइज रेट पे सस्ती रेट पे बिजली मिले, तो चित्राल के लोग खाना पकाने और ख़ुद को सर्दियों से बचाने के लिए बिजली इस्तेमाल करेगी। और बकौले मैंने अब्दुल अकबर चित्राली, अगर वहाँ पे गैस प्लांट कामयाब हो गया तो लोगों को अगर सस्ती गैस भी मिल जाए तो हमारे जंगलात बच जाएंगे, अदरवाइज़ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जंगलात की इस तरह बेदरख कटाई जारी रही तो आइंदा चंद सालों में जंगलात ख़त्म होंगे और इससे सैलाब आएंगे और सैलाब से तबाही आती है और इंसानी और माली जान का नुकसान होता है। रानो कतुन को जमुंग यूट्यूब चैनल मलाकन टीवी सब्सक्राइब करें और बिल आइकन क्लिक करें, जमुंग खंदवर और मायारी पुख्तो प्रोग्रामुना तरतासो पवख दर रसी। तहसील दर गई यो मायारी तालीमी इदारा, द तालीम सरा सरा द जिस्मानी तरबियत खुसूसी इंतजाम, नाज़र कुरान और दिनी तालीम तरबियत खुसूसी इंतजाम, हेडे पब्लिक स्कूल दर गई, मेन जी टी रोड दर गई।